बारिश से प्रखंड क्षेत्र के किसानों का चेहरा खिल उठा। जी हां, अब इस बारिश के साथ ही किसान धान खरीफ सीजन की खेती में जुट जाएंगे। लेकिन पिछले दो महीनों से मौसम की बेरुखी से किसान इस बार खरीफ की खेती शुरू करें कि नहीं, इसको लेकर असमंजस में फंसे हुए हैं। अभी असमंजस टूट गया है क्योंकि प्रखंड में झमाझम बारिश से फिर उम्मीद जग उठी है। कि गौर करने वाली बात यह है कि इस वर्ष प्रखंड में बृहद पैमाने पर अनुदानित दरों पर विभागीय स्तर से किसानों के बीच धान के बीज का वितरण किया गया है। प्रखंड के 100% उपजाऊ जमीन में इस बार कृषि विभाग की देखरेख में धान का फसल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए अनुदानित दर पर उपलब्ध कराए गए धान का बिचड़ा गिराया जाना था, लेकिन किसान बारिश के इंतजार में हताश होकर महंगी दरों पर पंप सेट के सहारे बिचड़ा गिराने को मजबूर थे। जबकि कृषि विभाग की माने तो 15 जून से 30 जून तक धान का बिचड़ा गिराने का बेहतर समय होता है। देर से तैयार होने वाले धान के कुछ प्रभेद का बिचड़ा जुलाई के प्रथम सप्ताह तक भी नहीं गिरता है, परंतु मौसम का साथ नहीं मिलने से आपको बता दें प्रखंड के किसान फिलहाल बिचड़ा गिराने की तैयारी में जुटे हुए हैं। और आपको बता दें प्रखंड में अब तक मात्र धान का बिचड़ा गिराने के कुल लक्ष्य का 20% ही बिचड़ा गिर पाया है। अब बारिश के साथ ही बिचड़ा गिराने की रफ्तार बढ़ जाएगी। इसके अलावा खरीफ सीजन में लगाई जाने वाली अन्य फसलों में मरुआ, बाजरा, मकई, धैचा आदि फसलों को बिचड़ा गिराने में किसानों के खेती करने की रफ्तार बढ़ जाएगी। पानी के अभाव में पीला होने लगा था धान का बिचड़ा। लगभग 2 सप्ताह पूर्व पानी के अभाव में पीला पड़ने लगे थे धान का बिचड़ा। वही धान के बिचड़ा गिराने का कार्य प्रखंड के गिने चुने साधन संपन्न किसानों के छोड़ तक अधिकांश किसान मौसम की मार और सूखे खेत देखकर सूखे की आशंका से सहमे हुए थे, जिनको बारिश के बाद अब राहत की सांस ली है। आपको बताते चले अब किसान खुश हैं क्योंकि अब वो अच्छे से सारी फसल बो पाएंगे और जो धान की खेती करना चाह रहे थे उनके लिए अच्छा समय है क्योंकि इस बार अच्छी सी बारिश हो गई है, धान की फसल भी लग जाएगी और इसके लिए किसान बहुत खुश हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। जी बताइए, आज हमारे पूरे मसरक प्रखंड में खुशी की लहर है। कल की बारिश से छोटे छोटे किसान जो धान का बिचड़ा डालने के लिए मानसून का इंतजार कर रहे थे, उन लोगों के लिए खुशी बड़ी राहत है। भगवान का कृपा हुआ पूरे देश पर, पूरे राज्य पर, कि छोटे छोटे किसान जो छोटे छोटे खेतों में अपने जीवन यापन करने के लिए धान का जो बिचड़ा गिराने वाले थे, जो अभाव में थे, बड़े बड़े किसान तो पंपिंग सेट से या दूसरे साधन से अपना बिचड़ा गिरा लिए थे, लेकिन छोटे किसान के लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है। मैं प्रभु श्री रामचंद्र के पूरे भगवान को धन्यवाद देता हूँ, कृष्ण भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि आपके आशीर्वाद से पूरे प्रखंड, पूरे राज्यवासियों को खुशी का मौका मिला है। और हमारे अन्नदाता जिसको कहते हैं, जिस पर हम लोग आधारित हैं, जिसके मेहनत की कमाई को हम लोग खाकर और समाज में अपना काम करते हैं, सबका सहयोग करते हैं, उनके लिए आपने बहुत अच्छी कृपा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।